मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को है, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर से राज्य में लगातार सर्वे और कई तरह के दूसरे भी जो ओपिनियन पोल करते हैं उन सर्वों में ये बात सामने आई, खुद आरएसएस के सर्वे में बात सामने आई कि बीजेपी इस बार प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएगी और कांग्रेस के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आदिवासी और दलित पर अत्याचार का। बीते दिनों हम सब ने देखा कि किस तरीके से सीधी जिले का मामला हो या उसके बाद एक और सतना जिले में भी मामला सामने आया था, जबकि एक सीधी में तो हमने देखा था कि किस तरीके से एक आदिवासी लड़के पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया था और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई थी। इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सवाल वही है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस बार चुनाव में। इसके पीछे भी कई कारण हैं। कारण है विंध्य, जो कि मध्य प्रदेश का इलाका है, और इस इलाके में लगभग जो कुछ अगर देखा जाए कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जैसे कि सतना हो गया या फिर सिंगरौली हो गया, छतरपुर हो गया, रीवा हो गया, सीधी हो गया, ये सारे जो एरिया है यहाँ पर उच्च जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले जिस तरीके से दलित पर टॉर्चर का हो या फिर आदिवासियों को टॉर्चर करने का हो, इस तरीके के मामले इन जगहों से बहुत ज़्यादा बीते कुछ सालों में सामने आए हैं। आपको बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में जो बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी विधानसभा की, वही कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात काफ़ी अलग होने वाले हैं, क्योंकि इन एरिया में अगर देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जबकि चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो उन पर ऐसे टॉर्चर करने की खबरें सामने आ रही है, उन पर पेशाब करने की खबर सामने आ रही है। अभी जो सबसे नया और ताज़ा मामला सामने आया वो है छतरपुर से। छतरपुर में एक ओबीसी वर्ग के लड़के ने आरोप लगाया है कि एक दलित वर्ग के लड़के ने आरोप लगाया है कि उस पर एक ओबीसी वर्ग के आदमी ने उसके चेहरे और उसके शरीर पर पोटी लगा दी। इस तरह की खबर के बाद देखा जाए तो राज्य की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित वर्ग से ही आते हैं उन्होंने इस पर तंज कसा है और बीजेपी का जो विकास का नारा है उसे पीआर स्टंट बताया है। आपको बता दें कि खास बात यह भी है कि जिस छतरपुर में ये घटना सामने आई है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये मध्य प्रदेश बीजेपी के वीडी शर्मा जो कि काफ़ी दिग्गज नेता है उनके अधीन आता है। तो और वही साथ ही साथ जिस ओबीसी समाज के लड़के पर ये आरोप लगाया गया है खुद शिवराज सिंह चौहान भी इसी समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस वक्त ये एक बड़ा फैक्टर बन रहा है जो कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। ऐसे कुछ मामलों की बात करेंगे जो बीते कई समय में हुए हैं और जिसकी वजह से बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब छतरपुर जिले में किसी दलित को ऊंची जाति के लोगों ने पीटा या फिर टॉर्चर किया हो। इस इलाके में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें दलित परिवार द्वारा निकाली गई शादी की बारातों को ऊंची जाति के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें बारात निकालते समय पुलिस सुरक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी खबरें हमने तमाम सुनी होंगी, ऐसी खबरें हम अक्सर सुनते हैं। पिछले साल सितंबर में ही एक 35 साल के दलित लड़के पर केवल कुर्सी पर बैठने के कारण ठाकुर समुदाय के युवाओं के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। रीवा की बात करें तो 23 जून को यहाँ एक दलित पिता पुत्र की जोड़ी को कथित तौर पर लाठियों से पीटा गया था, उनके गले में जूतों की माला डालकर घुमाया भी गया था। ऐसी ही एक और घटना अभी कुछ दिन पहले ही सामने आई थी जिसमें रीवा में ऊंची जाति के लोगों ने एक आदिवासी लड़की की पिटाई कर दी थी। नवंबर 2021 में हुई एक चौंकाने वाली घटना में एक दलित दिहाड़ी मजदूर का हाथ काट दिया गया था और ये आरोप एक उच्च जाति के नियोक्ता पर ही लगाया गया था। उस वक्त बताया गया था कि उस मजदूर ने अपना बकाया मांगा था और जिसकी वजह से उसका हाथ काट दिया गया था। ऐसी ही एक और घटना अगस्त 2022 में सामने आई थी सतना में, जहां एक दलित महिला सरपंच की दबंगों ने पिटाई कर दी थी। यहां तक कि जिन लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की उन्हें ऊंची जाति के लोगों के ग्रुप ने लात और मुक्कों से पीटा था। उसी महीने सिंगरौली में भी एक 16 साल की दलित लड़की को
कक्षा की अगली पंक्ति में बैठने के कारण एक उच्च जाति के टीचर ने कथित तौर पर पीटा था। ऐसी तमाम खबरें मध्य प्रदेश से रोजाना आती रहती है और शायद बीजेपी को यही डर सता रहा है। इसीलिए बीते दिनों जब सीधी जिले में जो खबर सामने आई थी, जब आदिवासी लड़के पर पेशाब कर दिया गया था, उस पूरे मामले को शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही सीरियसली लिया था। उन्होंने उस वक्त उस आरोपी नेता पर उन्होंने NSA एक्ट लगाया था, उसके घर को बुलडोजर से ढाया गया था और इसके बाद उस आदिवासी लड़के को भी उन्होंने भोपाल अपने आवास पर बुलाया था, उसके पैर धोए थे। बकायदा बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जा सके, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है और राज्य में लगातार दलितों और आदिवासी लोगों की के ऊपर टॉर्चर होने की खबरें आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि कुछ ही महीने बचे अब इलेक्शन में, तो उस वक्त देखा जाएगा कि ये कितना बड़ा फैक्टर होता है बीजेपी के लिए। और निश्चित तौर पर इतना तो कह सकते हैं कि इससे बीजेपी की चिंता बढ़ने जरूर वाली है, खासकर की विंध्य क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।